वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। मैं बताता हूं आपको नर चतुर्दशी या छोटी दिवाली का महत्व, मुहूर्त और पूजा विधि। जो नरक चतुर्दशी है, ये नरक चौदस या नरक पूजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कार्तिक केशन चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल तेल लगाकर अपामाण की पत्तियों को जल में स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्तियों को सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसको छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी से रात के तिमिर को पुंज प्रकाश से दूर भगा दिया जाता है, जैसे कि दीपावली की रात को। इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यता है। एक कथा के अनुसार आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करा उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इसी उपलक्ष्य में दीयों की बरात सजाई जाती है। इस साल नरक चतुर्दशी कब है ये जानते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्षी चतुर्थी यानी कि 14वें दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस साल चतुर्दशी तिथि का जो आरंभ है 13 नवंबर को 5:59 को हो रहा है। चतुर्दशी तिथि 14 नवंबर को दिन में 2:18 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार उद्या तिथि में ही व्रत और चतुर्दशी को मनाना चाहिए, तो ऐसे में इस साल 14 नवंबर को नरक चतुर्दशी मनाई जानी चाहिए। इस बार 14 नवंबर को दोपहर 2:18 तक नरक चतुर्दशी रहेगी और इसके पश्चात अमावस तिथि यानी दीपावली शुरू हो जाती है। पुरानी कथाओं में बात करें तो इसके संदर्भ में मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक अन्य कथा इस प्रकार है कि रंती देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आके खड़े हुए। यमदूत को आए देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया है, फिर आप मुझे क्यों लेने आए हैं? क्योंकि आपके आने का मतलब है कि मुझे नरक में ही जाना होगा। आप उस पर कृपा करें और मुझे बताएं कि किस प्रकार के अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। पुण्यात्मा राजा की अनुनय भरी विनती और वाणी को सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया, ये उसी पाप कर्म का फल है। दूतों की इस प्रकार कहने पर राजा ने यमदूतों से कहा, मैं आपको विनती करता हूँ कि मुझे 1 वर्ष का समय और दे दो। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें सब वृतांत बताकर उनसे पूछा कि इस पाप से मुक्ति का उपाय क्या है। ऋषियों ने बोला, हे राजन, आप कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनके प्रति अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसे ही किया जैसे ऋषियों ने बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी का यह जो व्रत है वो प्रचलित हो गया। इस दिन सूर्योदय के पूर्व उठकर तेल लगाकर पानी में चिचड़ी के पत्ते डालकर उसका स्नान करने का महत्व है। स्नान के पश्चात विष्णु भगवान और कृष्ण जी के मंदिर में दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इससे पाप कटता है और रूप सुंदर की प्राप्ति होती है। इस दिन 6 देवों की पूजा का भी विधान है। कहा जाता है इन 6 देवों की पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। यम की पूजा करनी चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन यम की पूजा की जाती है। रात्रि में यम पूजा के लिए दीप जलाए जाते हैं। इस दिन एक पुराने दीपक में सरसों का तेल और 5 अंक के दाने डालकर इसके घर के कोनों में रखा जाता है। इसे यमदीप दान भी कहते हैं। मान्यता है इस दीप को दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। काली माता की पूजा की जाती है। सुबह तेल से स्नान करने के पश्चात काली की पूजा करने का भी विधान है। ये पूजा नरक चतुर्दशी की आधी रात में की जाती है। माना जाता है कि माँ काली की पूजा से सभी जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने की भी मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर राक्षस का वध कर कारावास से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था, इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन शिव की पूजा का भी विधान है। नरक चतुर्दशी के दिन शिव चतुर्दशी भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान
शंकर को पंचामृत अर्पित करके माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता के अनुसार इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से हनुमान जी सारे कष्टों को हर लेते हैं। इस दिन वामन पूजा का भी विधान है। मान्यता के अनुसार राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए वामन पूजा भी की जाती है। दीपावली का ये जो त्यौहार है आप सभी लोगों के लिए शुभकारी हो, मंगल में रहे। और जिस तरीके से दीपक जो है अंधकार को जीवन से दूर करता है, इसी प्रकार से आने वाली दिवाली आपके जीवन के अंधकार को दूर करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, महागुरु गौरव।